नमस्कार, आप देख रहे हैं फिलोसॉफिकल वर्ल्ड और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राज राठौड़। दोस्तों, फिलोसॉफिकल वर्ल्ड के डेजर्ट सफारी सीरीज के एपिसोड 4 में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपको आज बताने जा रहे हैं दुनिया में सबसे पुराने रेगिस्तान नामीब रेगिस्तान के बारे में कुछ रोचक, कुछ अद्भुत बातें। दोस्तों, ये वीडियो ना केवल आपका ज्ञानवर्धन करेगा बल्कि आपको रोमांचित भी करेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी नामीबिया में स्थित है नामीब रेगिस्तान। ये रेगिस्तान करीब 135,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और कई मायनों में ये रेगिस्तान दुनिया के अन्य मरुस्थलों से काफ़ी अलग और ख़ास है। आपको जानकर हैरत होगा कि नामीब रेगिस्तान दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान में से एक है, और यहाँ रेत के टीले दुनिया में सबसे ऊँचे टीलों में से शुमार हैं। यहाँ के टीलों की ऊंचाई लगभग 200 मीटर तक होती है। सिर्फ इतना ही नहीं फ्रेंड्स, नामीब रेगिस्तान कई हैरान कर देने वाली पहेलियों से भरा पड़ा है। यहाँ की सबसे बड़ी पहेली एक भू आकृति है जिसे परियों का घेरा कहा जाता है। दरअसल रेगिस्तान के कई जगहों पर एक खास किस्म के गोल घेरे बने हुए हैं। ये घेरे ठीक वैसे ही हैं जैसे मंगल ग्रह पर बने निशान हैं। इन गोल घेरों को लेकर बहुत से अलग अलग शोध हुए हैं और बहुत से अलग अलग कयास भी लगाए गए हैं। इन घेरे की पहेली को सुलझाने में विशेषज्ञ भले ही चकरा रहे हैं, लेकिन नामीबिया के स्थानीय लोग इन आकृतियों के बारे में बहुत पहले से ही जानते हैं। फ्रेंड्स, वहाँ के स्थानीय हिम्बा लोगों का विश्वास है कि इन्हें आत्माओं ने बनाया है और ये उनके देवता मुकरू के पैरों के निशान हैं। वहीं कुछ अन्य स्थानीय लोगों का मानना है कि ये रेशमी आकृतियाँ यूएफओ या रात में परियों के नाचने से बनी हैं, इसलिए इन्हें परियों का घेरा भी कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के कुछ शोध बताते हैं कि ये घेरे दीमक के कारण बने हैं जो जमीन से पानी और पोषक तत्वों की तलाश करते रहते हैं। नामीब रेगिस्तान में एक और अजूबा दिखता है। ऐसा अजूबा शायद दुनिया के किसी और रेगिस्तान में देखने को नहीं मिलता होगा। दरअसल अंटार्कटिक महासागर नामीबिया के वेस्ट कोस्ट रेगिस्तान से मिलता है, जिस कारण रेगिस्तान के किनारों पर समुद्र का पानी लेरे मारते दिखाई देता है। यहाँ रेगिस्तान में समुद्र का किनारा होना और पहाड़ होने के कारण यहाँ की खूबसूरती बिल्कुल अलग है। कोस्टल डेजर्ट को नामीब सैंड भी कहते हैं, और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया है।